गुड मॉर्निंग बच्चों, अभी हमने आपको बहुपद लेसन में पूरा डिटेल समझाया था। अब उसी के बेसिस पे आपको एक्सरसाइज 2.2 करना है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपद 5x-4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए यदि x=0 हो, या x=-1 हो, या x=2 हो। तो हमने आपको बताया था कि बहुपद को हम इस तरह से लिख सकते हैं, Px, और बहुपद आपके पास है 5x-4x² + 3। फर्स्ट क्या है, x=0 रखने पर, तो हर जगह हम x की जगह 0 लिख देंगे, ब्रैकेट में x की जगह 0 लिखेंगे, और 5 × 0 लिखेंगे, -4 × 0 का होल स्क्वायर लिखेंगे, +3 लिखेंगे। तो क्या आएगा आपके पास, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0, किसी भी संख्या को 0 के स्क्वायर से गुणा करते हैं तो 0, और ये 3 आ जाएगा। तो ये मान आपके पास आ गया 3। तो आंसर आप लिखेंगी, आंसर P0=3। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड है x=-1 रखने पर, फिर से लिखेंगे Px=5x-4x² + 3। अब हमें -1 रखना है, तो p लिख के यहाँ क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। तो ये हो गया 5 × -1 - 4 × -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। नेक्स्ट लाइन में माइनस से प्लस को गुणा करते हैं तो माइनस आता है साइन, 5 × 5 -1 × -1 का वर्ग क्या हो जाजाएगा, प्लस हो जाएगा, और +1 × -4 = क्या आ जाएगा, -4 आएगा। ये प्लस हो गया और ये माइनस बाहर था तो ये -4 आ गया, +3। आपने 6th क्लास में बॉड मास पढ़ा है, तो पहले आप बॉड मास की उससे एडिशन पहले करेंगे और सब्ट्रैक्शन बाद में करेंगे। तो एडिशन के साइन वाला क्या है, 3 है, और सब्ट्रैक्शन के साइन वाले 2 हैं, -5 और -4। तो माइनस साइन लगा के 5 और 4 को ऐड कर देंगे तो 9 आएगा। अब कौन सा अंक बड़ा है, 9, उसका साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। 9 3 से कितना कम है, 6। तो आंसर आपका आ गया P-1=-6। अब आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड आपको क्या रखना है, x=2 रखने पर, फिर से इक्वेशन लिखिए, Px=5x-4x² + 3। तो अब हमें 2 रखना है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ पे 5 × 2 लिखेंगे, -4 और 2 का होल स्क्वायर +3। अब 5 × 2 = 10, -2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 × 4 = 16 होता है, +3। अब पॉजिटिव साइन में 10 है और 3 है, तो पहले हम इनको जोड़ के लिख लेंगे, ये 13 आ गया, और निगेटिव साइन में है 16। कौन सा अंक बड़ा है, 16 बड़ा है, उसके आगे साइन क्या है, माइनस, माइनस लगा देंगे। 16 13 से कितना कम है, 16 में से 13 घटाया तो 3। तो आंसर आ जाएगा P2=-3। आपको आशा करते हैं सवाल समझ में आया होगा और इसको अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 के मान ज्ञात कीजिए। तो बहुपद आपको ये 4 क्वेश्चन में दिए हैं, हर क्वेश्चन के लिए आपको P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है, आपको क्या दिया हुआ है, पहले में Py=y²-y+1। जो समीकरण में पद होता है, चर राशि होती है, वही यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ वाई है तो यहाँ पे वाई लिखा है ना। तो अब हमको ज्ञात करना है P0। तो P0 = क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर -0
प्लस वन, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है और माइनस दूसरा जीरो हो गया, ये प्लस वन हो गया, तो आंसर क्या आया? वन। तो आप आंसर में लिखेंगी पी जीरो बराबर वन। नेक्स्ट निकालना है पी वन बराबर क्या, तो पी वन फिर से हम उस समीकरण में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर पी वाई, पहले लिख लीजिए पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। इससे इम्प्लाइज दैट कि पी वन इक्वल टू वन का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, तो वन का होल स्क्वायर वन होता है, ये माइनस वन हो गया और ये प्लस वन हो गया, प्लस वन और माइनस वन कट गया, आंसर क्या आया? वन। तो आंसर में आप लिखेंगी कि पी वन इक्वल टू वन। थर्ड आपको पी टू निकालना है, तो सेकंड आपका ये निकल गया था, ये सेकंड वाला था, और थर्ड में आपको फिर से पी वाई बराबर लिखना है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। अब पी टू निकालेंगे, तो पी टू बराबर क्या आ जाएगा? टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा? टू का स्क्वायर फोर माइनस टू प्लस वन, पहले प्लस वाले को ऐड करेंगे तो फोर और वन मिला के क्या हुआ? फाइव, माइनस टू इसको घटाया तो आंसर आया तीन। तो आंसर आपका हो गया कि पी टू की वैल्यू बराबर थ्री। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में आपका इस तरह पी टी बराबर दिया है ना, दूसरे पार्ट में, ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के आपने तीन मान निकाले हैं, अब सेकंड पार्ट के तीन मान निकालने हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको दिया है पी टी बराबर टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो हम पहले जीरो रखेंगे, तो टी की जगह सब जगह हम जीरो रख देंगे, जीरो प्लस टू इंटू जीरो का होल स्क्वायर माइनस जीरो का होल क्यूब। तो यहाँ पे पहला पद तो दो रहेगा ही, दूसरा पद जीरो है, तीसरे पद में जीरो से किसी भी संख्या को गुणा करें तो जीरो आएगा और जीरो का क्यूब भी जीरो होता है, तो आंसर आ गया दो। तो हम अब लिखेंगे कि पी जीरो इक्वल टू टू। नेक्स्ट में फिर से आप लिखेंगी, ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट किया था, अब सेकंड का सेकंड पार्ट करेंगे, तो पी टी बराबर फिर से लिख लीजिए पी टी बराबर टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या रखना है? वन रखना है, तो पी वन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? टू तो रहेगा ही, टी की जगह हमने वन लिखा, प्लस टू इंटू वन का होल स्क्वायर किया माइनस वन का होल क्यूब किया, तो इससे क्या आ जाएगा? टू प्लस वन, और वन का होल स्क्वायर वन होता है, तो वन इंटू टू बराबर टू, और वन का होल क्यूब भी वन होता है तो माइनस वन। तो अब सारे प्लस वाले जोड़ लीजिए, दो और दो चार और एक पाँच, पाँच में से एक घटाया तो क्या आया हमारे पास? चार। तो आंसर हो गया पी वन बराबर चार। ठीक है, अब तीसरा जो है निकालेंगे, तीसरे में फिर से हम लिखेंगे पी टी इक्वल टू टू प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब हमें पी टू निकालना है, तो टी की जगह हमें दो रख देना है, दो प्लस दो प्लस दो इंटू दो का होल स्क्वायर माइनस दो का होल क्यूब। अब ये हो गया दो प्लस दो, और दो दूना चार होता है, चार दूना आठ होता है, माइनस दो का होल क्यूब टू इंटू टू इंटू टू, दो दूना चार दूना आठ। अब देखिए प्लस आठ और माइनस आठ क्या हुए? कट गए, और दो जोड़ा तो क्या आया? चार। तो आंसर आ गया आपका पी टू इक्वल टू चार। बाकी के जो दो दिए हैं क्वेश्चन, एक ये वाला दिया है, ये दिया है, इसके भी हर एक में तीन तीन स्टेप निकालने हैं, मतलब जीरो वन और टू रख के, और जीरो वन और टू रख के, वो आप अपने आप होमवर्क में करेंगी। क्वेश्चन तीन है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थिति में संगत बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं।
तो शून्य के बारे में हम बता चुके हैं कि इस मान को रखने से अगर इसकी वैल्यू जीरो आती है तो ये शून्यक होगा। इसी तरह ये मान रखने से अगर इसकी वैल्यू शून्य आती है तो ये शून्यक होगा। इस क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन हैं, 2 हम आपको बता रहे हैं, बाकी के ये दोनों और 6 पार्ट और आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना होगा। इसलिए बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा जिससे आप अपने आप से वो क्वेश्चन कर सकें। तो हल में पहला क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू 3x + 1, और हमें x की जगह क्या रखना है, -1/3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1/3। तो 3 × -1/3 + 1, अब ये 3 से कट जाएगा तो यहाँ से क्या बचा, -1, और इधर क्या था, +1, तो क्या आ गया, 0। यानी -1/3 रखने से बहुपद का मान 0 आ गया, इसलिए आप लिखेंगी x = -1/3 बहुपद, बहुपद क्या था, 3x + 1 का एक शून्यक है।